मैं आज हेवी साड़ी और हेवी हाई हील में आपको किक करना और इसका हैंडलिंग करना थोड़ी बहुत शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले यहाँ से भी किक करना हमने दिखाया था, तो इसे यहाँ से भी आप किक कर सकते हो अगर आप आपके लिए कंफर्ट हो तो। अगर आपको यहाँ से कंफर्ट नहीं मिलती है तो आप पीछे की तरफ से भी कर सकते हो। इधर से दिखाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर भी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मेरी बन गई है केक का। तो हील से अगर आपको केक करना हो तो आपको करना ये है कि आप यहाँ इस एरिया को आप यूज़ करें, ठीक है। फिर आपको ये करना है, डबल स्टैंड में हो तो स्टैंड को आप ऐसे और हैंडल पकड़ के ऐसे रिलीज करो आप। हमने रिलीज कर दिया, आपको जो बैठना पड़ेगा ये साड़ी को, जो है साड़ी को आपको बिल्कुल एक पैर से पहले आपको बैठना है, एक पैर को रखना है। अगर आपको दोनों पैर कंफर्ट में मिल जाए फिर आप कर लीजिए। साड़ी को पिन लगाना है, आपको दोनों तरफ पैर को बैलेंस बनाना है, फिर आपको यहाँ पे चलाना है। कॉमन मिस्टेक और भी हो रहा है, मैं पहले भी ये श्योर कर चुकी हूँ, वो है जब भी आप साइड स्टैंड करें तो आपका जो साड़ी का जो ये पल्लू है आपको ऐसे ना हो जाए, इसके नीचे अगर आ जाते हो, मानिए ऐसा है आपका साड़ी, इसके नीचे है। अगर आपको पता नहीं चला, आपको समझ में भी नहीं आया कि आपकी साड़ी इसके नीचे है, आप सीधे होगा या चलने लगे तो स्कूटी के साथ आप भी गिर जाओगे। तो आपको ऑलवेज वी शुड केयरफुल अबाउट इट, हम लोगों को बहुत ही केयरफुल रहनी चाहिए जब हम लोग साड़ी पहन के चलाते हो और साइड स्टैंड करते हो। डबल स्टैंड में भी आपको हो सकती है लेकिन साइड स्टैंड में ज़्यादा, ओके। तो आपको स्कूटी राइडिंग में हाई हील और साड़ी में जो आपने जो सवाल पूछे थे कि किसे हैंडल किया जाए किस तरह से, तो मैंने आज हेवी साड़ी भी पहनी है, हाई हील भी पहने थे। तो हमने जितने भी मैं करती हूँ, जितने भी मुझसे होता है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे भी खुशी होगी। अगर कोई ज़रूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट ज़रूर भेजिएगा। बाय।